इट डजंट मैटर व्हाट इज योर ड्रीम, इट डजंट मैटर व्हाट इज योर डिफिकल्टीज, इट डजंट मैटर कि आपके बाप के खाते में आज कितने रुपए पड़े हैं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, आप लंबे हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, या आपकी आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, बाल सफेद हैं, काले हैं, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर हाउ बैड यू फील, इट डजंट मैटर हाउ लोनली यू आर, बिकॉज अ लायन इज नेवर अलोन। एक शेर को अकेला ही रहना पड़ता है, क्योंकि अकेला नहीं रहेगा तो राजा कैसे कहलाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कितना खो चुके हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्रेडिट कार्ड से काम चला रहे हो या फिर चिल्लर से। इफ यू थिंक दैट यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर यू हैव नॉट लॉस्ट द अपॉर्चुनिटीज। जब आप सब कुछ खो देते हैं तो आपके पास केवल एक चीज बचती है, वह है मौका। एक मौका उन सब खोई हुई चीजों को वापस हासिल करने का। एंड इफ यू थिंक दैट यू डिजर्व दोज थिंग्स, यू मस्ट हैव टू प्रूव योर कैपेबिलिटीज। जिंदगी का मतलब है गलत चीजों को छोड़कर सही चीजों को अपनाना। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी छत से पानी टपक रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद की छत नहीं नसीब है। अगर आपको लगता है कि आपके जूते ब्रांडेड नहीं हैं, तो कुछ लोग आसपास ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास खुद के खरीदे हुए जूते भी नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कार नहीं है, तो ढूंढना, आपके शहर में कई सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास पैर ही नहीं है। जिंदगी में मुश्किलों का रोना रोने वाले कभी अपने से ज्यादा मुश्किलों वाले इंसानों को भी देखना। जितना स्ट्रगल आप अपने सपनों को पाने के लिए करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रगल वो केवल पेट भरने के लिए करते हैं। आप अपने मुश्किलों से बड़े हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है जो इस दुनिया में आपको अपनी मुश्किलों पर विजय दिला सकता है। लोग ब्लेम करते हैं कि उनकी असफलता का कारण दुनिया है, गरीबी है, पुअर एजुकेशन है, किस्मत खराब है, लेकिन ये स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम में है कि उनके बुरे हालातों के जिम्मेदार वो खुद हैं। वो खुद ही आशा हैं, वो खुद ही रुकावट हैं। अपने पंखों को फैलाकर तो उड़ना तो सीख, ये जमाना तेरे नीचे ना हो तो कहना। तेरे पंख तेरे हौसले हैं जो तुझे देंगे एक ऊंची और लंबी उड़ान, और तेरे अंदर की आग है तेरा ईंधन जो ले जाएगा तुझे दूर तक। आप एक गाड़ी में जा रहे हो और आपको नहीं पता है कि आपकी गाड़ी कहाँ रुकने वाली है, लेकिन आपको अगर इतना पता है कि उस गाड़ी के ड्राइवर आप हो, तो आपके लिए उस रास्ते पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि उस गाड़ी का नाम है जिंदगी, जिसके ड्राइवर आप खुद हो। आप जैसे चाहो अपनी जिंदगी जी सकते हो, आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, और इसके लिए किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी का फेवर नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए आपको किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल आप खुद बने हो। केवल आप हो जो अपनी जिंदगी को 100% बदल सकते हो। यू आर द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर देन अदर्स, सो लुक इनसाइड यू। अपने अंदर झांको और भीड़ चाल से बाहर निकलो, फिर देखते हैं कौन सा सपना है और कैसे पूरा नहीं होगा। खुद से बस इतना ही कहो, हाँ मैं दूसरों से अलग बनकर दिखाऊंगा, मैं ही अपने कर्मों का, अपने शरीर का और अपने सपनों का इकलौता मालिक हूँ। मैं अपने हालातों का और असफलताओं का कारण हूँ। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये सपनों की गाड़ी और सपनों का बंगला तो बहुत छोटा है, और जिसकी उड़ान सितारों तक है, उसके लिए पहाड़ पर चढ़ना तो मामूली सी बात है। ये तेरे पंख हैं, इनको फड़फड़ाते जा, तू छोटा ही सही पर सपने को सजाते जा। निकल ही पड़ा है तो अब कदम मत गिन, बस तू अनगिनत कदम बढ़ाए जा। मसाल तेरी बुझे नहीं किसी भी तूफान से, हारने लगे तो हार जाना लेकिन वो भी शान से, लड़ना तो ईमान से और पूरी जान से। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।